वैल्यू ऐड करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए कर रहे हों या आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल कर रहे हों, पर संगठन भी नीचे कार्यकर्ता भी तो जोर शोर लगाकर घुसते हैं ना मैदान के जंग में। ये दोनों पार्टियां जंग के मैदान में बहुत ताकत के साथ, बहुत वेग दिखता है, बहुत बहुत हंगर दिखता है उनके अंदर कि हमें चुनाव जीतना है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये हंगर दिखता ही नहीं। आप देखो उनको, मैं इस बार भी गुजरात में था, अलग अलग इलाकों में गया, कांग्रेस दफ्तर में भी गया, कांग्रेस दफ्तर में भी वो इंथुजियाज्म मिसिंग था जो चुनाव को एक त्यौहार की तरह लिया जाना चाहिए, एक एक स्पर्धा की तरह देखा जाना चाहिए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद हम ऑपोजिशन में बने रहेंगे, हमारी फाइट जो है वो आम आदमी पार्टी से नहीं, नहीं फाइट नहीं है आम आदमी पार्टी से, वो बीजेपी से लड़ते हुए नहीं दिख रहे थे, वो ऑपोजिशन में कौन होगा वो उसकी लड़ाई में ज्यादा दिख रहे थे कि नहीं नहीं आम आदमी पार्टी इतना अच्छा नहीं कर रही है जितना आप कह रहे हैं, जितना आप सोच रहे हैं। तो ऐसे में आपकी जो सोच है वो नकारात्मक सोच हो जाती है और उस सोच के हिसाब से जब आप जनता के बीच जाते हैं तो उसको स्वीकार्यता नहीं मिल सकती। हिमाचल से खबर आ रही है, अब चुनाव आयोग की साइट के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस आगे निकल गई है, 33 सीटें, बहुमत का आंकड़ा नहीं छू रही है अभी, बीजेपी 31, अन्य के खाते में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का मैं जिक्र कर रहा था, कांग्रेस के बड़े नेता हैं हिमाचल से, अब वो फिर से नादौन से आगे हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।